हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक बार भी ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। मैं जानती हूँ मिशी, ये गप राफे आंटी की लगाई हुई है। कल कुछ अजीब सा ख्वाब देखा, दिल को बड़ी बेचैनी हुई, तो इससे मैंने कहा भी कि ऑफिस से वापसी पे खैरियत मालूम करके आए, मगर ये तो अपने कामों में सब कुछ भूल जाता है। राफिया, ये लो इसको पकड़ो। ये है कौन ये? अरे इसको वॉश करो शिनाती, जल्दी से इसके लिए फीडर बनाओ। आराम से। अरे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको वॉश करो आराम से, जल्दी जल्दी। अरे मुझे कचरे से उठाया। देखो कहा था ना मैंने तुमसे, पीछे मुड़ के मत देखो, पत्थर की हो जाओगे। अम्मी मैं खाला जानी के पास रह लूंगी, फिक्र नहीं करें, वो बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खाला तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये भी तो मुनासिब नहीं है ना कि तुम उनके घर जाके रहो। अभी तो उनकी बहू घर पे नहीं है, लेकिन वो जब भी घर आएगी वो शक करेगी तुम पे। अम्मी शावेस की बीवी एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, उसका दिल इतना तंग नजर नहीं, वो मुझे क्यों शक की निगाह से देखेगी, जबकि वो जानती है कि मैं उस जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे रहने दो, सब समझती हूँ मैं। लड़की भले जितने बड़े खानदान से क्यों ना हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन अपने शौहर के मामले में बेटा हर औरत शक्की होती है, शक्की निगाह से देखती है अपने शौहर को। ऐसी बातें नहीं करेंगे, अगर भाई ने मेरे साथ जान से इनकार कर दिया ना तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। ना मेरा बच्चा, इस तरह की बातें नहीं। पर मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं किसको कसूरवार समझूं, इरफान को, मंसूर भाई को, या फिर अपने नसीब को। जोजो, मैं पापा की बेटी हूँ, आई डोंट केयर कौन क्या कहता है। That's good. You are very brave. But मिशी, fact तो fact है ना। भाजन आप बुलाएं जरा उसे मेरे सामने, मैं अपने तरीके से पूछूंगी ना तो वो गल देगा। राफिया वो बहुत खुददार इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, और ये इल्जाम सुन के तो वो वैसे ही मर जाएगा। समझने की कोशिश करो हेरा, जो रिश्ते खो गए उनका मिलना नामुमकिन है। क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन पता नहीं, मैं तो बस दर्द के सहरा में भटक रही। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जख्म तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। देखो हेरा, इस दुनिया में सुख कम है और दुख ज्यादा, और ये जो दुख है ना ये इंसान ही इंसान को देते किसी भी रिश्ते से। अब मंसूर को ही ले लो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनाकर, पहले मेरी जिंदगी अजीरन की और तुम्हारे साथ भी कोई रियायत नहीं की। फरह मुझे तो समझ नहीं आते कि मैं किसको कसूरवार समझूं, इरफान को, मंसूर भाई को, या फिर अपने नसीब को। इरफान अपने किए की सजा भुगत रहा है, और मेरा दिल कहता है, और मंसूर भी अल्लाह की पकड़ से बचेगा नहीं, उसको उसके गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलेगी। तब किसी को सजा मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता। तेरा ये बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी हो? बेटा, जो बिल्कुल आप जैसा। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि बेटी हो, क्योंकि बेटियाँ जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बेटी का बाप बनूँ। तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करे। आमीन। कैसे जालिम औरत है वो, उसे ये बात बच्ची को कैसे बता दी? इस हकीकत का एक ना एक दिन तो उसको पता चलना ही था। बीजी
ये बातें छुपी थोड़ी रहती। ठीक है, छुपी नहीं रहती, पर बात करने का कोई तरीका होता है ना। मुझे पता है राफिया का, थप्पड़ की तरह बात मारी होगी बच्ची के मुंह पे। जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे बैठ के क्यों शोक बना रही है शाविज? कितने सख्त दिल हो गए हो तुम। अरे बहू है मेरी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उस लड़की के लिए मेरे दिल में, मुझे कोई एक ऐसा लम्हा बता दे, कोई ऐसा वक्त बता दे जब उसने आपसे इज्जत से बात की हो, बताया मुझे। अरे जो कुछ भी है, मुझे उसे कोई शिकायत नहीं है। कम समझ लड़की है बस, और कुछ भी नहीं। वाह बीजी, कल को वो किसी का कत्ल कर देगी तो आप कहेंगी उसको तो अकल ना थी। अल्लाह ना करे वो किसी का कत्ल करे। क्यों करने लगी किसी का कत्ल वो? अच्छी बात भी कभी मुंह से निकाल लिया करो, हद है। You know that I love you. Definitely I'm gonna see you tomorrow. जी छोटे साहब, आपने मुझे बुलाया? Wait a second. कब? वो जी, मुझे लगा शायद आपने मुझे आवाज दी है। Babe, I thought for later, right? मैंने नहीं बुलाया। अच्छा जी। Oh listen, बुड्ढे, इधर। जी? मैंने ही बुलाया था। लेकिन मैं भूल गया कि मैंने क्यों बुलाया था। अब जब मुझे याद आ जाएगा ना क्यों बुलाया था, तो फिर बुला लो। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। Exactly, मेरी मर्जी। I'm the boss here. जोजो, जोजो। Yes, mom. शरारती हमारे कमरे में क्यों आया था, क्या करने? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैं तो पूछ रहा था क्यों आया। तुम्हारी कहाँ की तैयारी जाने की? अब मैं एक्चुअली एक डिनर पे जा रहा हूँ दोस्त के, या फिर वहीं लेट स्टे करूंगा, लेट हो जाऊंगा। क्या तुम्हारा ये रोज रोज आना जाना आना जाना? इट्स ओके मॉम, ऐसा होता है। जल्दी आने की कोशिश करना। जी। मेरी जान, मेरी बेटी, क्यों अंदर ही अंदर तुम अपने आप को ही सजा दे रही हो? मुझे पता है तुमने खाना भी नहीं खाया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ऐसा ना करो बेटा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मिशी मेरी जान, मैं तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। Can I come in? कब तक अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद रखोगे? किसने कहा है मैं कमरे में बंद हूँ? Of course, मुझे कौन कहेगा? अब खुद देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, Let's go out somewhere. तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। मेरा मूड नहीं, तुम जाओ। निशी प्लीज ऐसे नहीं करो, मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता। आई रियली केयर फॉर यू और आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस और यू नो आई वांटेड टू हेल्प। जोजो, मैं पापा की बेटी हूँ, आई डोंट केयर कौन क्या कहता है। दैट्स गुड, यू आर वेरी ब्रेव, बट मिशी फैक्ट तो फैक्ट है ना। पता है मैं लेटा हुआ सोच रहा था कि पता नहीं मिशी के पेरेंट्स कौन होंगे, क्यों फेंका उन्होंने कचरे में इसे, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था इनसे बातों से। जोजो, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। तो हाइपर होने वाली क्या बात? तुम मुझसे बकवास क्यों कर रहे हो? शी आई केयर फॉर यू, हमदर्दी कर रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके फाइन मिशी,
नहीं जाना तो मत जाओ, मुझ पे चीखने की जरूरत नहीं है, यू नो आई एम सेंसिटिव। जाओ यहां से, मर्जी तुम्हारी। हेलो अंकल। हाय, क्या हुआ बेटा? पापा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इट्स पर्सनल पापा। सर मैं थोड़ी देर में हाजिर हूँ। नहीं नहीं जावेद तो बैठ बोलो। पापा अब हमारे पर्सनल मैटर्स इन मामूली वर्कर्स के सामने डिस्कस किए जाएंगे। ए मिस्टर गेट लॉस्ट। बैठो तो। मिशी बिहेव योरसेल्फ। जाओ वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रहा हूं। गो प्लीज। मेरा बेटा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुमसे ज्यादा पूरी दुनिया में कोई और इंपॉर्टेंट हो। बेटा मुझे शावेस की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल है, वो बहुत जीनियस और हार्ड वर्किंग शख्स है। मुझे ऐसे शख्स की काफी अरसे से तलाश थी। चलो ठीक है, फिर भी हमारी बेटी अगर हमसे खफा है तो इसके पापा कान पकड़कर इससे छोली कर लेते। I'm sorry बेटा, माफ कर दो पापा को। पापा प्लीज। अरे मेरा बेटा ये बात नहीं ना। शावेस पापा बता रहे थे कि बेजी की तबीयत खराब है। हाँ उनकी तबीयत अब बेहतर है, तुम्हारी उनसे बात करा देता मैं लेकिन सो चुकी हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। तो 10,000 रुपए रखे मैंने, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अरे तो होने क्या लगा है, कभी रुपया गायब होते हैं, कभी ज्वेलरी। अच्छा तो ये शिराटी की हरकत है, मेरी खामोशी दिन ब दिन इस बुढ़े चोर के हौसले बुलंद कर रही। तभी मैंने कल इसे अपने कमरे से निकलते देखा था। भाईजान मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप भी कहेंगे ये हर वक्त किसी ना किसी से शिकायत ही रहती है इसको। हाँ बताओ जो बताने आई हो। बहुत जरूरी हो गई आपसे बात करनी, पानी सर से ऊपर हो चुका है। शिराती ना जाने कब से आपके घर का सफाया कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है राफिया, शिराती पर मुझे अंधा एतमाद। ये जो आपका अंधा एतमाद करना है ना, यही उसके हौसले बुलंद कर रहा है। चोरियां शुरू कर दी उसने, मेरे कमरे से भी चोरी शुरू कर दी। तुम्हारे लिए किसी पर भी इल्जाम लगाना बहुत आसान है राफिया, तुम अपनी चीजें खुद रख के भूल जाती होगी, शिराती ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं भी पहले यही समझती थी लेकिन कल ही मेरे अलमारी में 10,000 रुपए रखे उड़ा लिए किसी ने। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शिराती ऐसा कभी नहीं कर सकता। भाजन आप बुलाए जरा उसे मेरे सामने, मैं अपने तरीके से पूछूंगी ना तो वो गलत कर। राफिया वो बहुत खुददार इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा और ये इल्जाम सुन के तो वो वैसे ही मर जाएगा। आप मेरे सामने एक दफा बुला तो ले उसे, फिर देखिए कैसा कबूल करता है। राफिया बेवकूफी की बातें मत करो, वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, किसके लिए दौलत जमा करेगा वो। और सुनो मुझसे जो तनख्वाह मिलती है ना उसको अक्सर वो चैरिटी में दे देता है। ये रखो और जो जो से कहो कि कल वो मेरा ऑफिस ज्वाइन करे।
मुझे اطلاع मिली है कि वो आजकल बहुत पार्टियों पे पैसा लुटा रहा है। उसकी दोस्ताना, उसकी एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको समझाओ। ये तो आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई, मैं तो सारी बातें भूल गई। जॉब पे जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा और दोस्त भी ठीक हो जाएंगे। मैं उसे ये खुशखबरी सुना दूं। है भाईजन, शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी जो फ्रेंड है वो एडवेंचर बहुत पसंद करती है। जब तक लाइफ में कोई थ्रिल ना हो, एडवेंचर ना हो, मजा नहीं आता उनको। ये भी शायद इसकी कोई किस्म होगी। प्लीज शाबेज भाई, ये कोई एडवेंचर या थ्रिल नहीं है, वो वाकई आपसे मोहब्बत करने लगी है। जी कैसे सबर कर लूं? मैं अपने बच्चे को एक नजर देख भी नहीं सकी। मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन सी माँ होगी? कौन सी माँ होगी बदनसीब? तेरी उल्फत। तुमने शाबेज भाई से एक्सक्यूज किया? नहीं, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई सॉरी करने की। माय गॉड, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैरिड रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर जरा खुद सोचो, उन्होंने भी तो तुम्हारी हमेशा सारी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त की है ना। नहीं सोनिया, वो बहुत ब्रेव है, बहुत बर्दाश्त और हौसला है उनके अंदर। मेरा बर्दाश्त तो कुछ नहीं है उनके बर्दाश्त के आगे। क्या तुम उनके बगैर रह सकती हो? नहीं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, सोच भी नहीं सकती। अच्छा, जब तुम उनके बगैर नहीं रह सकती तो फिर अपनी अना को खत्म कर दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी सना परस्ती में वो कोई ऐसा फैसला कर बैठे जो तुम दोनों को जुदा कर दे। सोनिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुम मेरी हेल्प कर दो। अच्छा चलो, मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके बाय। कैसी हैं आप मिसेस सरमत? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? चाय, कॉफी? सिर्फ पानी। पानी, थैंक यू। जी तो कहिए कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली शाबेज भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब आपका क्या इरादा है? किस बारे में? वो मिशी आपके साथ रहना चाहती है। मेरे साथ? मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। ये मजाक नहीं है शाबेज भाई, हकीकत है। I know, आपकी जो फ्रेंड है वो एडवेंचर बहुत पसंद करती है। जब तक लाइफ में कोई थ्रिल ना हो, एडवेंचर ना हो, मजा नहीं आता उनको। ये भी शायद इसकी कोई किस्म होगी। प्लीज शाबेज भाई, ये कोई एडवेंचर या थ्रिल नहीं है, वो वाकई आपसे मोहब्बत करने लगी है। जी मोहब्बत? जी हाँ, बहुत चाहती है वो आपको। कब, कैसे, ये तो खुद उसे भी नहीं पता। देखिए मिसेस सरमत, आई एम सॉरी, ये जितनी भी बातें आपने की हैं, मैं इन सब जज्बों पर बिलीव नहीं करता। सबर किसी
अब कोई चारा नहीं है, कैसे सबर कर लूं? मैं अपने बच्चे को एक नजर देख भी नहीं सकी, पर अब मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन सी माँ होगी, कौन सी माँ होगी बदनसीब? बहुत बदनसीब हूँ मैं। देखो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हाँ सबर करो, तुमने सबर किया है, सबर का फल बहुत मीठा मिलेगा। बशारत, पानी ला दो। ये कैसे हो सकता है शावेज भाई कि आपको मोहब्बत पर यकीन ना हो? मोहब्बत और नफरत को समझने का सेंस तो सब में होता है, ये अलग बात है कि आप समझ के भी ना समझ पाए। आई स्वेयर शावेज भाई वो आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी है, प्लीज आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। देखिए मिस्टर सरमद, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैंने उसके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है, अपनी अना, खुददारी, किसी भी चीज की परवाह नहीं की है मैंने, फिर भी उसको मेरा साथ नहीं चाहिए। अब जब मुझे उसका साथ नहीं चाहिए तो वो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। प्लीज शावेज भाई आप उसे एक बार माफ कर दें, अब उसे आपके सहारे की पहले से ज्यादा जरूरत है। क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? मुझे वक्त ने कभी ऐसी कोई मोहलत नहीं दी। जब आपके नसीब में मिशाल की मोहब्बत लिखी थी तो आप किस तरह किसी और से मोहब्बत कर सकते थे? आप अपना टाइम वेस्ट करिए मिस्टर सरमद, मैं और मिशी वो पंछी हैं जो किसी एक डाल पर बैठ ही नहीं सकते, हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आपके दिल में मिशी के लिए अच्छे जज्बात नहीं है तो आपने अभी तक उसे डिवोर्स क्यों नहीं दी? मिसेस सरमद, अब मैं क्या बताऊं आपको, कभी अंकल की बीमारी ने तो कभी बीजी के ख्याल से मैं रुका हुआ था। प्लीज शावेज भाई आप आखिरी बार मिशी को माफ कर दें, मैं वादा करती हूँ मिशी से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता मिसेस सरमद, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने आराम से किस तरह से ले सकती हैं? प्लीज शावेज भाई मैं मिशी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, आप अपनी बेजी की खातिर ही सिर्फ एक बार उसे मौका दे दें, सिर्फ एक बार। देखिए मिस्टर सरमत आप मुझे फोर्स मत करें प्लीज। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ शावेज भाई, मैं आपसे अपनी दोस्त की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ वो इन दिनों बहुत अपसेट है, प्लीज शावेज भाई। सबर कर, सबर कर, अब भी हम माल बना सकते, अब भी माल बना सकते। क्या होगा, आपके हाथ अलादीन का चिराग लग गया है? यही समझ लो जोजो, भाजन ने तुम्हारे लिए अपनी फर्म में जॉब निकाली है, जॉब। व्हाट, जोजो जॉब करेगा? उनके गुनाहों की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। ऐसा तो होना ही था, वो कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्लीज बेटा शावेज, किसी दिन बीजी को हमारे घर लेके आइए ना। हाँ बिल्कुल जरूर, मैं नहीं आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी।
बल्कि आप ऐसा करें ना, कल हमारे यहाँ एक छोटी सी दावत है, अपने फैमिली को लेकर आए, अच्छा लगेगा। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? नफरत हो गई मुझे तुम्हारी परछाई से भी, नहीं देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें। हर हर पग पे कांटे।